बल्दियाती नुमाइंदों की तरक्याती स्कीमें सियासत की नजर, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 274 यूनियन काउंसिल्स की 1 अरब से जायद के तरक्याती स्कीम्स रोक दी गई। बल्दियाती नुमाइंदे अवाम का सामना करने से कतराने लगे। मेयर लाहौर ने एहतजाज का इंदिया दे दिया, कहते हैं तरक्याती स्कीम्स को मंजूरी की बजाय टेक्निकल एतराजात लगाकर वापस भेजा जा रहा है। हमारे हाथ बांध कर अवामी खिदमत से रोकने की साजिश की जा रही है। पुलिस रवैये से मुतालिक आवाम की शिकायत जायज हैं। पुलिस को मुहज्जब मुआशरे की फोर्स बनाने की जरूरत है। महकमे में काबिल अफराद को आगे लाया जाएगा, चाहे वो अफसर हो या कांस्टेबल। पुलिस रिफॉर्म्स के लिए तमाम मुलाजमीन की ट्रेनिंग पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी का ओहदा संभालते ही पहला इंटरव्यू लाहौर न्यूज पर। आईजी पंजाब ने सानहा मॉडल टाउन का अफसोसनाक करार दे दिया, कहते हैं सानहे के वक्त आईजी होता तो नफरी ना भेजता। बेहतरीन पुलिस ऑफिसर वो होता है जो मौके को देखकर अच्छा फैसला करे। आईजी पंजाब बाख्तार ओहदा है, सियासी मदाखलत अफसरान की नाहली का नतीजा होती है। मंशा बम के गिर शिकंजा सख्त, 8 मजीद मुकदमा दर्ज। मंशा बम के घर से असलहा और जमीनों की जाली दस्तावेजात बरामद। एसपी सदर मुआजफर कहते हैं मंशा बम खुद को बचाने के लिए जराइम पेशा अफराद का सहारा लेता है। मंशा बम के साथ पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। मंशा बम को रेवेन्यू और पटवारी की सतह पर भी मुआवनत हासिल रही। मंशा बम लोगों को डरा धमका कर भगा देता है और जमीनों पर कब्जा कर लेता है। पूरे नेटवर्क को जल्द बेनकाब किया जाएगा। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने स्पीकर की बनाई गई तहकीकाती कमेटी को मुस्तरद कर दिया। बोले नून लीग का कोई रुकन जाली कमेटी में नहीं जाएगा। परवेज इलाही असेंबली में बाजारी जुबान इस्तेमाल करते हैं, जाली स्पीकर का डटकर मुकाबला करेंगे। हमें अदम एतमाद की कोई जल्दी नहीं, चाहते हैं कि लोग तब्दीली वालों का असल चेहरा देखें। सऊदी अरब में इमरान खान ने अपने दुखड़े सुनाए। पंजाब असेंबली का बजट इजलास कल तक मुलतवी। ऑपोजिशन का चौथे रोज भी बायकॉट। ऐवान के अंदर हुकूमती इजलास, बाहर ऑपोजिशन की असेंबली। लीगी अरकान का असेंबली की सीढ़ियों पर दरियां बछाकर एहतजाज, नारेबाजी। जिमनी इलेक्शन जीतने वाले 6 अराकीन असेंबली ने हल्फ उठा लिया। पंजाब असेंबली में हंगामा आरई के लिए 12 रुकनी तहकीकती कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी में 10 हुकूमती अरकान और 2 नून लीग के अरकान असेंबली शामिल। सूबाई वजीर इत्तलात की हमजा शहबाज को कमेटी में आने की दावत। बोले हमजा शहबाज दिन 11 बजे आया करें, धूप भी खाया करें। नून लीग पार्टी नहीं, बाप बेटे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एक तरफ एहतजाज, दूसरी तरफ 2500 रुपए के लिए हाजिरियां लगाना कहां की अखलाकियात है। सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन का कहना है कि लीगी अरकान के लिए असेंबली के दरवाजे खुले हैं, अपोजिशन के पास कुछ नहीं, ये सिर्फ नवाज ग्रुप का बायकॉट है। नून लीग ने बजट पर बहस की तैयारी ही नहीं की। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा बरादरान की हिफाजती जमानत में 14 नवंबर तक तौसी। हाई कोर्ट का नैब को ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को गिरफ्तार ना करने का हुक्म। मेरा जमीर मुतमईन है और हाथ साफ हैं। जब भी हुकूमत बदलती है तो मुझे जेल यात्रा पर जाना पड़ता है। ख्वाजा साद रफीक की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगु। बोले आशियाना हाउसिंग स्कीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। एहतसाब के नाम पर सियासतदानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ नुकसानदेह होंगी। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत लाहौर हाईकोर्ट से मुस्तरद। नैब ने इंक्वायरी से पहले गिरफ्तारी करके आइन की खिलाफ वर्जी की। दरख्वास्त में मौकिफ, अदालत ने दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया।
कानून का मजाक, पुलिस को खुला चैलेंज। कैनाल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की सरेआम हवाई फायरिंग, इलाके में खौफो हिरास। फायरिंग की वीडियो लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। डीआईजी ऑपरेशन शहजाद अकबर ने वाकये का नोटिस ले लिया। एसपी सदर से रिपोर्ट तलब। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का 22वां रोज पाइन एवेन्यू में एलडीए का एक्शन। गैर कानूनी 6 इमारतें जज्वी मस्मार। शाह आलम मार्केट में भी कार्रवाई। भारी मशीनरी से पक्के थड़े और शेड मस्मार। दौरान ऑपरेशन कब्जा माफिया की जानिब से मजाहमत का सामना। ताजरों का इंतजामिया पर बड़े प्लाजों पर हाथ ना डालने का इल्जाम। पंजाब हुकूमत का हॉर्स एंड कैटल शो दोबारा शुरू करने का ऐलान। सूबे में फनून लतीफा और सकाफती सरगर्मियों को फरोग देने का फैसला। यूसुफ सलाहुद्दीन की सरबराही में कल्चरल कमेटी के अराकीन की वजीर आला से मुलाकात। नकलसन रोड को नवाबजादा नसरुल्ला खान के नाम से मंसूब करने का फैसला। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत डेरा गाजी खान के अराकीन असेंबली का इजलास। वजीर आला का कहना है कि महकमों को कारकर्दगी दिखाना होगी, हाथ पर हाथ रखने से काम नहीं चलेगा। कब्जा माफिया और तजावजात को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। रिक्शा ड्राइवर्स को जानवरों से तशबीह क्यों दी? सीटीओ माफी मांगे। अवामी रिक्शा यूनियन सड़कों पर आ गई। कलमा चौक में एहतजाजी मुजाहरा, धरना। रिक्शा ड्राइवर्स की 24 घंटों में मुतालबा तस्लीम न होने पर सीटीओ ऑफिस बंद करने की धमकी। सैयद अली बिन उस्मान अल हिजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श के उर्स मुबारक का 28 अक्टूबर से आगाज। वजीर आला पंजाब रस्म चादर पोशी से उर्स का इफ्तिताह करेंगे। दूध की सबील और लंगर का इंतजाम होगा। उर्स इंतजाम के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड जारी। सूबाई वजीर औकात सईदुल हसन शाह की उर्स इंतजाम से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अनवार उल हक का हाई कोर्ट बार का दौरा। हाईकोर्ट बार की क्यादत ने चीफ जस्टिस और दीगर जजेस का इस्तकबाल किया। बार की जानिब से जजेस के एजाज में चाय का एहतमाम। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में बायोसेफ्टी वर्कशॉप का इनेकाद। पीएचडी स्कॉलर्स की कसीर तादाद में शिरकत। तलबा को लैब में एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से आगाही दी गई। और उमर अकमल के लिए बुरी खबर। मुबैना फिक्सिंग स्कैंडल में नाम आने पर पीसीबी ने तलब कर लिया। उमर अकमल को एंटी करप्शन यूनिट ने बुला लिया है। डोमेस्टिक क्रिकेट से फारिग होकर एंटी करप्शन यूनिट में पेश होंगे सीओओ सुभाग अहमद।